तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैंने देखी द वेनम मूवी। गाइस, एक अच्छा सा एक्सपीरियंस वेनम मूवी आपको देती है, सीजीआई के थ्रू हो या फिर स्टोरी थ्रू हो। टॉम हार्डी ने स्टोरी लिखी है और खुद एक्ट भी किया है एज अ वेनम, एज अ एडी ब्रॉक। तो गाइस, बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट मूवी है। आपको अगर आपके पास टाइम है, आप थिएटर जा सको तो गाइस, आपको ये मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए। मेरे हिसाब से हाईली रिकमेंडेड है। मार्वल की जो टिपिकल मार्वल मूवी होती है, ऐसा ही एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा। और बहुत दिनों बाद आफ्टर पेंडेमिक आपको ऐसा मज़ा जो थिएटर में यही मूवी दिला सकती है। बात करेंगे स्टोरी प्लॉट की, तो स्टोरी प्लॉट में कुछ तो गाइस, स्टोरी प्लॉट कुछ इस तरह है कि अपने जो टॉम हार्डी भाई साहब है, उनके अंदर, उनके शरीर के अंदर वेनम नाम का सैम्बॉइड एलियन घुस जाता है। उसके बाद दोनों की जो तकरार है, दोनों की जो बातचीत है, कन्वर्सेशन है, वो बहुत ही मज़ेदार लगती है। एक अच्छी जुगलबंदी बैठती है। सुनने में आया है कि दोनों की वॉइस जो है टॉम हार्डी ने ही दी है। सुबह वो वेनम का आवाज़ देते थे और शाम को अपने कैरेक्टर का आवाज़ देते थे। और साथ ही में जो बढ़िया एक विलन इंट्रोड्यूस किया गया था, कार्नेज नाम का, जो कि सेम एक सैम्बॉइड एलियन है लेकिन वेनम से दोगुना बड़ा है और शक्तिशाली है। तो उनके बीच में जो संघर्ष होता है वो उम्री की कहानी है। साथ ही में मिचेल विलियम्स जो है हीरोइन दिखाई गई है। और मूवी, सारी मूवी के दौरान दो ग्रुप बटे हुए हैं, एक अच्छा वाला वेनम के पक्ष में है और दूसरा जो है कार्नेज के पक्ष में है। यानी कि जो अपने टॉम हार्डी भाई साहब है, उनकी गर्लफ्रेंड वो और वेनम, और दूसरी तरफ होता है कार्नेज और वुडी हैरनसन और उनकी गर्लफ्रेंड, जो कि खुद एक क्रिमिनल होता है। दोनों कपल जो है, दोनों लोग जो है, क्रम्पल जो है, वो क्रिमिनल कपल होता है। तो उनके दोनों के, ये दो ग्रुप जो है, उनके बीच में जो संघर्ष है वो दिखाया गया है। और बड़ी ही अच्छी सीजीआई वर्क दिखाई गई है यहाँ पे। डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छा, और मार्वल स्टूडियो ने एक अच्छा सा स्टेप लिया है। यानी कि कम बजट में 11 करोड़ कुछ यूएस डॉलर खर्च किए हैं इस मूवी के अंदर, और बहुत ही अच्छा जो है एक एंटरटेनमेंट क्रिएट किया गया है यहाँ पे। और मुझे खास जो एंडिंग जो है सीन है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। गाइज, अभी आपको, आपके लिए स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा, लेकिन स्पाइडरवर्स का कनेक्शन जो है वो बैठाया गया है और बड़ी अच्छे से बैठाया गया है। लेकिन कुछ फैंस को ये समझ में नहीं आया होगा, और मुझे भी थोड़ा अटपटा लगा कि इस तरह से कैसे उन्होंने स्पाइडरवर्स से उसको ज्वाइंट कर दिया और सारे डॉट्स जो है कनेक्ट कर दिए। तो अगर आप खुद ही देखोगे तो आपको पता चलेगा जो लास्ट एंडिंग सीन है वो, ठीक है, स्पाइडरवर्स के साथ उसको कनेक्ट किया गया है वेनम का, जो कि हम सब देखना चाहते थे कि कब वेनम और स्पाइडरमैन दोनों के बीच में संघर्ष हो, या फिर जो एक मूवी, डेडिकेटेड मूवी हमको दिखाई दे कि स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम। तो अब हमको लगता है कि नेक्स्ट जो मूवी है उनमें स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम हमको दिखाई देंगे। और ऑब्वियसली जो कार्नेज है उसके आगे हार जाता है इस मूवी के एंड में। और जो अगर वेनम उसको हरा सकता है तो स्पाइडरमैन का क्या हाल होगा, आप खुद ही सोच लीजिए। तो मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगी। आप अगर, आपके पास टाइम है तो मस्ट वॉच मूवी कैटेगरी में मैं इसको रखूँगा। आप देख सकते हैं इसे, फुल फैमिली के साथ देख सकते हैं। बढ़िया ही एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा इस मूवी के दौरान। सीजीआई वर्क आपने कहीं नहीं देखा होगा, ऐसा कम बजट में इस मूवी ने दिखाया है। ठीक है, मार्वल की ज़्यादातर मूवी जितनी बजट की होती है उस बजट से ये कम ही है, और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे से आउटकम निकल के आया है। और अकेला टॉम हार्डी ही इसका श्रेय लेके जाता है, इसका सारा का सारा क्रेडिट उसके अकेले कंधे पर ही सारी की सारी मूवी है। तो मुझे बढ़िया लगा वो इसने जो है, उन्होंने जो स्टोरी है वो भी अपने उन्होंने लिखी है टॉम हार्डी ने, और एक्ट भी उन्होंने ही किया है, खुद ही किया है। तो ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। तो बंदा बहुत ही धांसू है, मुझे लगता है कि उसमें दम है, उसका फ्यूचर बहुत ही आगे है। तो ये था मेरा वेनम 2 का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा हमारे चैनल को। हम ऐसे रिव्यू डालते रहेंगे जैसे मैं मूवी देखूंगा, तो ऐसे आपको रिव्यू मिलता रहेगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।